तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाट द टेक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक अकाउंट को कैसे एकदम सिक्योर किया जा सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में जैसे कि फ्रॉड बढ़ रहा है और हैकर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपका हर अकाउंट, हर सोशल मीडिया अकाउंट एकदम सिक्योर रहना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग, मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे आपको सिक्योर करना है, वही कहीं सिक्योरिटी के बारे में मैं यहाँ पे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो ऐसे अगर वीडियो आपको देखना है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैसे अपने फेसबुक को सिक्योर करना है एकदम सिक्योरिटी के साथ। तो इसके लिए आपको जाना होगा फेसबुक में। फेसबुक में ऊपर जो तीन डॉट है उस पर जाना है, फिर उसमें आपको नीचे में सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें आपको सेटिंग में जाना है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, पर हमको यहाँ पे सिक्योरिटी का देखना है। तो सिक्योरिटी और लॉगिन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी और लॉगिन में आपको दिखा रहा है कि वेयर यू आर लॉग इन। यहाँ पे आप अगर सी ऑल करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे डिवाइस जहाँ पे आपका फेसबुक लॉगिन है वो पूरी लिस्ट आ जाती है, जिसमें से आप लोग जो भी इस पे लॉगिन नहीं करके रखा है, जहाँ पे भी जो भी डिवाइस में आपने लॉगिन किया है पर वो आप यूज नहीं कर रहे हैं, सभी में से आप लोग हटा दीजिए, या फिर आप लोग पूरे लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और जो आप सिर्फ यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो डिवाइस आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही इस पे जहाँ पे आपको एक्टिव नाउ दिख रहा है, मतलब ये डिवाइस है वो, तो इसी डिवाइस पे आप लोग को लॉग इन करके रखना है, बाकी सभी डिवाइस को आपको लॉग आउट कर देना है। वही इसके नीचे में आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग ऑथेंटिकेशन ऐप से ऑन कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज से भी आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐप को रिकमेंडेड में दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे अगर जाके देखते यहाँ पे बता रहा है कि सेटअप या थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर, मतलब जो भी फेसबुक के अलावा जो भी जैसे गूगल का ऑथेंटिकेटर है उससे आप लोग ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग या फिर ये कोड जिसमें जो दिया गया है वो वहाँ पे डाल के आप लोग इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पे हम लोग गूगल ऑथेंटिकेटर करके सर्च करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं सबसे पहले में गूगल ऑथेंटिकेटर है, उसको हम लोग डाउनलोड कर देंगे यहाँ से। तो जैसे इसको हम लोग ओपन करते हैं तो आपको पहले यहाँ पे सेटअप योर फर्स्ट अकाउंट या फिर स्कैन QR कोड या फिर इंटर सेटअप के करके ऑप्शन आ जाता है। तो हम लोग वो QR कोड तो स्कैन नहीं कर सकते, या फिर इसको हमको दूसरे मोबाइल से इंस्टॉल करना पड़ेगा और यहाँ से फिर स्कैन QR कोड कर सकते हैं। तो उससे ना करते हुए हम लोग यहाँ पे सेटअप के डाल देंगे। तो ये जो कि बहुत ही सिक्योर ऐप है इसलिए इसकी कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होती, पूरा ब्लैंक दिखाता है। तो ये जो सेटअप के है हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे डाल देंगे, तो इससे आपका जो भी फेसबुक है वो यहाँ पे ऑथराइज्ड हो जाएगा और एक की दिखा देगा जो कि आपको उस की को यहाँ पे एंटर करना है और कॉन्फर्म कर देना है। वही यहाँ पे आपको पूछता है कि कहीं आप ही ने तो उस ऑथेंटिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो इसके लिए आपको पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो ये आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो गया है, जिससे आप कभी भी अगर कोई दूसरे डिवाइस पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा, जो कि आपको इस ऑथेंटिकेटर ऐप में जाके ही दिखेगा। तो ये अगर आपके पास है ऑथेंटिकेटर ऐप तभी आप लोग किसी दूसरे डिवाइस पर लॉगिन कर पाएंगे, या फिर कोई भी दूसरा अगर लॉगिन कर रहा है तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई आपके अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहा है। वही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ये ऑथेंटिकेशन ऐप अगर आपके पास नहीं है तो भी दूसरे ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे रिकवरी कोड्स दिए गए हैं, जिससे आप लोग ये कोड आपको कहीं पे भी कॉपी करके रख देना है और उसको फिर आप लोग हर बार यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे तब अलग अलग कोड अलग अलग बार लॉगिन करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि सीक्रेट कोड है तो आपको सिक्योरिटली जगह पर आपको इसको कॉपी करके रखना चाहिए, जिससे किसी को पता ना चल पाए और वो लॉगिन ना कर पाए। वही तीसरा ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज का है, जिसमें आपको टेक्स्ट मैसेज से अगर दूसरे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करते तो आपके टेक्स्ट मैसेज से आपको एक कोड आ जाता है ऑथेंटिकेशन कोड, जिससे आप लोग यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन आपको ऑन करके रख देना है ताकि आपका फेसबुक अकाउंट जो है बहुत ही सिक्योर रह पाए। वही यहाँ पे प्राइवेसी शॉर्टकट में जाके आप लोग अकाउंट सिक्योरिटी में देख सकते हैं, यहाँ पे गेट अलर्ट अबाउट अनऑथराइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन है, जहाँ पे आप लोग जाके इसको अलर्ट्स को ऑन कर दे ताकि आप कहीं पे भी कोई लॉगिन करता है तो आपको
फटाक से अलर्ट आ जाए कि कई अनऑथराइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन हो चुके हैं, जिससे आप लोग सिक्योर रह पाएंगे। वही यहाँ पे सिक्योरिटी लॉगिन में और एक ऑप्शन है, जैसे कि चूज टू कॉन्टैक्ट इफ यू गेट लॉक आउट। तो ऐसे कुछ भी गलती से लॉक हो जाता है सब कुछ, या फिर कोई आपका पूरा हैक कर देता है अकाउंट, तो यहाँ पे आप लोग अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट चूज करके रखें, ताकि उनकी मदद से आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकें।